ज्ञान मलय अपवर्ग दय ज्ञान मलय अपवर्ग दय अकर्म मलय दय स्वर्ग ज्ञान मलय अपवर्ग दय अकर्म मलय दय स्वर्ग अमर रहे नित भक्ति ही अमर रहे नित भक्ति ही चाहना स्वर्ग अपवर्ग। ये तीन मार्ग शास्त्रों वेदों में कुल बताए गए हैं, ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च, कर्म ज्ञान भक्ति, बस तीन ही मार्ग हैं परमार्थ के कल्याण के। तो इन तीनों पर एक दोहे में विचार कर रहा है लेखक, ज्ञान मलय अपवर्ग दय। ज्ञान जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आत्मज्ञान एक ब्रह्म ज्ञान, एक अंश का ज्ञान एक अंशी का ज्ञान। तो जिनको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है उनका ब्रह्म में लय हो जाता, शरीर नहीं रहता, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, आनंद 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 का उपभोग नहीं करते, वो आनंद में लीन हो जाते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म में लीन करके खत्म हो जाता है। बुद्धि लगाओ, देखो अभी आप लोग नहीं समझे, देखो ज्ञान में तीन उपाधि होती है, तीन उपाधि, एक ज्ञाता एक ज्ञान एक ज्ञेय, यानी जानने वाला ज्ञाता, जिससे जाना जान रहा है वो ज्ञान, जिसको जान रहा है वो ज्ञेय। जैसे ध्याता ध्यान ध्येय, जैसे प्रेमी प्रेम प्रेमास्पद, आप समझ गए होंगे आप लोग। तो ज्ञाता ब्रह्म का ज्ञाता, और जिस ज्ञान से ब्रह्म को जाना वो ज्ञान, और जिसको जाना वो ब्रह्म के, ये तीन रहते हैं प्रथम तत्व आदि। इस महावाक्य के श्रवण मनन में ये तीन रहते हैं, फिर अहम ब्रह्मास्मि में जाकर ये तीनों समाप्त हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं त्रिपुटी का लय हो गया। तो जब त्रिपुटी का लय हुआ तो ज्ञान गया, ज्ञाता भी गया, ज्ञान भी गया और ज्ञेय भी गया, एकत्व हो गया। तो ये ज्ञान जिसने ज्ञाता को ज्ञेय से मिलाया था वो ज्ञान समाप्त हो गया, अब उसका काम खत्म। मतलब ये जैसे किसी लड़के ने वार्षिक परीक्षा में लिख दिया कॉपी में आंसर सब उत्तर, अब उसका काम खत्म, अब जो नंबर मिलेगा मिलेगा, अब उसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो ज्ञान ने ज्ञानी को ब्रह्म में मिलाया और लौटाया, मर गया उसका काम खत्म, मर गया। इसी प्रकार कर्मी जो धर्म का पालन करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये वर्णाश्रम धर्म का जो विधिवत पालन करते हैं उनको धर्मात्मा कहते हैं, कर्मकांडी कहते हैं। तो वो कर्मकांड उनको स्वर्ग ले जाता है, नश्वर स्वर्ग, और स्वर्ग पहुंचा करके वो भी मर गया। अब उन्होंने स्वर्ग भोग लिया कर्म के फल को, 10 दिन 10 महीने 10 साल 10,000 वर्ष, जितना बड़ा पुण्य होगा उतने दिन का स्वर्ग मिलेगा। उसके बाद अब कर्म कहाँ है, कर्म को बुलाओ, अरे भाई मैंने जो अश्वमेध यज्ञ किया था वो कहाँ हो तुम, जी वो तो आपने भोग लिया, वो खत्म हो गए,
बैंक में 1,00,000 रुपया जमा था, 10,000 का महीना आप निकाल करके और खर्चा कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, 10 महीने बाद फिर आप जाइए बैंक के पास तो बैंक वाले कहेंगे इसको बाहर निकालो तो क्रैक है कुछ। अरे 13 रुपया खत्म हो गए, आप क्या लेने आए अब। तो उसी प्रकार कर्म का फल जब समाप्त हो जाता है स्वर्ग भोग, तो फिर वहां से वो गर्दन पकड़ करके नीचे फेंका जाता है। हीन तरंबा विसंति वेद कहता है, फिर वो कूकर सूकर कीट पतंगादि योनियों में फेंक दिया जाता है स्वर्ग से डायरेक्ट। तो ज्ञान मरे अपवर्ग गए, अपवर्ग माने कैवल्य मोक्ष देकर ज्ञान मर गया, और कर्म मरे दए स्वर्ग, और स्वर्ग देकर कर्म भी मर गया। लेकिन अमर रहे एक भक्ति ही। ये भक्ति कैसी है? भक्ति को समझने वाला स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता। वो भक्ति क्यों चाहता है? भक्ति दो काम करती है, भक्त को अमर कर देती है और स्वयं अमर हो जाती है। और इस रिश्ते को, भक्त और भगवान के, दास और स्वामी को सदा जोड़े रहती है अनंत काल तक, दो लोक में भी ये साथ नहीं छोड़ती। भगवत प्राप्ति आप जब करेंगे तो आपको इसी भक्ति की एक सीढ़ी है, उसके ऊपर वो भक्ति मिलेगी गुरु के द्वारा, सिद्धा भक्ति। वो भक्ति सदा साथ रहेगी दो लोक में भी, अमृत स्वरूपाच। नारद जी ने इसीलिए कहा है, जो भक्ति प्राप्त कर लेता है अमृतो भवति तृप्तो भवति। नारद जी ने बार बार अमृत शब्द का प्रयोग किया है। ये भक्ति सदा रहती है और भगवान से भक्त को सदा जोड़े रहती है, और जोड़ने में भी भगवान को भक्त के अंदर में रखती है। ये कमाल। कहने के लिए समस्त जीव भगवत प्राप्ति के बाद दास हो गए, आप पहुंच गए अपनी सीट पर। क्या मिला जी? अरे आप दास हो गए, कंफर्म सीट। लेकिन देखने में तो कुछ और आ रहा है, देखने में आ रहा है कि तुम्हारे स्वामी तुम्हारी दासता करते हैं। हाँ जी, ये सब मैं नहीं जानता, ये तो पता नहीं कोई बीच में गड़बड़ करता है। हम दोनों के बीच में कोई गड़बड़ करता है, वो ऐसी गड़बड़ करने वाली पावर है कि भगवान को भी गड़बड़ करती है और भक्त को भी गड़बड़ करती है, दो तरफ गड़बड़ करती है। उस शक्ति का नाम है स्वरूप शक्ति या योग माया। ये दो काम करती है, भगवान को अपनी भगवत्ता भूल जाती है, मैं कौन हूं ये भगवान भूल जाते हैं, और भक्त को अपनी जो दासता की सीट है वो भूल जाती है। तो प्रभु तालु तल कपिदार पर, हनुमान जी वगैरह डाल पर बैठे और भगवान राम पेड़ के नीचे बैठे। न राम को होश है कि डांट दे, क्या बदतमीजी है ऊपर बैठे हो, नीचे बैठो। और न हनुमान जी जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, उनको भी याद नहीं रहा कि मैं ऐसी बदतमीजी कर रहा हूँ, भविष्य में लोग क्या अनुकरण करेंगे कि स्वामी की खोपड़ी पर बैठेंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इनके यहाँ तो एटिकेट सिखाने का सिद्धांत ही है। लेकिन वो जो योग माया है, उसने भगवान को भी बिगाड़ा और जीव को भी बिगाड़ा। तो भगवान अपना स्वरूप भूले और जीव अपना स्वरूप भूला, और इस भूला भूली को भगवान ने इतना पसंद किया कि गौरांग महाप्रभु ने कहा है कि आपना के भौर माने आमार सौहीन। भगवान कहते हैं भाई मैं उससे अधिक प्यार करता हूँ और मुझे उससे अधिक सुख मिलता है जो मुझे अपने बराबर माने या छोटा माने। जो जीव मुझे अपने बराबर माने, बहुत नीचे उतर आवे तो, वरना
मुझे छोटा माने तो मुझे वो प्यार बहुत पसंद है। लेकिन ये याद रखना, ये बुद्धि से मानने की बात नहीं है, ये प्यार निष्काम बढ़ते बढ़ते जब गोपियों के क्लास में जाएगा तब ऐसा होगा, नहीं नकल करने लगो सब लोग। ये एक क्लास है, एक अवस्था है समर्थारति का, जहां लोग माया के द्वारा भुलाया जाता है दोनों को, तो जानबूझ के नहीं भूलता कोई। जब तक होशो हवास है तब तक कोई दास स्वामी का अपमान करेगा? इम्पॉसिबल, सोच भी नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। और अगर कभी उसको मालूम हो जाए कि ये श्री कृष्ण भगवान है तो वो शरीर त्याग देने की सोचेगा, हाय मैंने इनका इतना अपमान किया, हमने तो इनको संसारी लड़का समझ करके सब व्यवहार में करता रहा, ये भगवान है। लेकिन ऐसा कभी चांस जब आया भी तो उसी योग माया ने फिर भुलाया। अघो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्ति आत्मयोगः। जब यशोदा मैया को विराट रूप दिखाया तो यशोदा मैया ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लाला में कोई अलौकिक शक्ति हो? डाउट हुआ और लाला को अजीब दृष्टि से देखने लगी कि मैं तो इसको अपना बच्चा समझती हूँ, लेकिन ये बच्चे ही नहीं है, कुछ और भी है ऐसा लगता है। तो ठाकुर जी रोने लगे। मैया ने कहा, ये क्यों रोने लगा? ओ मैंने क्या सोचा, देखो वो योग माया आई और मैया को भुलाया, और मैया ने कहा मैं भी क्या खपती हूँ, ये तो मेरा लाला है। जब गोवर्धन पहाड़ को उठाया तो कुछ नंद जी वगैरह जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कुछ गणित लगाया, ये मामला कुछ और है, ये सखा पखा क्या पहाड़ उठाएंगे, इसे देख पत्थर भी नहीं उठेगा बाबा। और ये नाखून लगाए है कन्हैया, बात कुछ और लगती है। वहां भी ठाकुर जी रोने लगे, सब आए, क्या हुआ क्या हुआ, दर्द हो गया हाथ में, क्यों रोने लगा? नहीं मुझको लोग पता नहीं किस तरह देख रहे हैं। यानी वो ममता नहीं, जिस ममता से देखते थे मेरा यार है, मेरा प्रियतम है, मेरा लल्ला है, ये जो भावनाएं लोगों की थी उसमें परिवर्तन होने लगा, ऐश्वर्य का चिंतन होने लगा। तो फिर योग माया आई, ये सब को भुलाया। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वही है अपना कन्हैया। तो वो योग माया की शक्ति से कहने के लिए भक्त दास होता है, लेकिन वस्तुतः भगवान दासता करता है, इसलिए हम भक्त पराधीना कहा गया। तो ज्ञान मरे अपवर्ग गए, अकर्म मरे गए स्वर्ग, और अमर रहे एक भक्ति ही, जहन स्वर्ग अपवर्ग मरे अपवर्ग गए, मोक्ष दिया ज्ञान मर गया, स्वयं मर गया। ज्ञान मरे अपवर्ग गए, कर्म मरे गए स्वर्ग, ज्ञान मरे अपवर्ग गए, अकर्म मरे गए स्वर्ग, अमर रहे नित भक्ति ही, क्या हल स्वर्ग अपवर्ग। कितने नपे किए शब्द, अमर रहे एक भक्ति ही, दो लोग जाइए वहां भी भक्ति कीजिए, ये भक्ति कभी साथ नहीं छोड़ेगी अनंत काल तक। और ज्ञानी को ज्ञान ने ब्रह्म में लय कर दिया, उसके बाद छुट्टी, चुप कर्म ने स्वर्ग दे दिया, लौट आया भाई हमारी छुट्टी, अब तुम भोगो चार नहीं लौट आना हमारे पास। पूरे लेक्चर को आपने आपका वर्ग गए,
अब कर्म मरे दय स्वर्ग और रहे अमर नित्य भक्ति ही चाह स्वर्ग अपवर्ग।